कंदू कहाँ गया? अरे नदी का जल तो बढ़ रहा है। अरे मित्रों इधर आओ, वो देखो वहाँ क्या हो रहा है। मित्रों ये देखो, नदी का जल एकाएक बढ़ रहा है। हाँ हाँ सत्य कह रहे हो, ये एकाएक क्या हो रहा है? मित्रों ऊपर देखो, आकाश से अग्निपिंड नीचे गिर रहे हैं। नहीं मित्र, लगता है आकाश से अग्नि बरस रही है। तुम्हें लड्डू अच्छे लगते हैं ना? किंतु आजकल अंजना को क्या हो गया, लड्डू बनाती ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से अपने हनुमान के लिए लड्डू बनाऊं। आप बहुत अच्छी हैं नानी। ये कैसा कोलाहल है? हनुमान वहां क्या देख रहे हो, आओ लड्डू ले लो। लड्डू जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बाद में खाऊंगा, वहां सब संकट में है ना। ये हनुमान फिर से चला गया संकट हरने, कहीं ये लंकेश के कार्य में विघ्न डाल दे। मुझे शीघ्र ही इसे रोकने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। सुमेरु से हटाता हूँ।
अभी उल्का पिंड को रोकने चला गया। कहीं ये संकट में ना आ जाए। अरे आप मेरे हनुमान के लिए भयभीत हो रहे हैं, जरा देखिए उसे कैसे रक्षा कर रहा है सुमेरु की। आप तो निष्कंटक होकर राज्य संभालिए, मेरा हनुमान है ना सुमेरु का रक्षक, मेरा आपका। क्या हुआ स्वामी, क्या मैंने सत्य नहीं कहा? संभालिए अग्निपिंड से कोई घायल ना हो। सखा ये तो सैकड़ों की संख्या में है, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। सूरती अतुलनीय है। युवराज के रहते अब कोई भी अग्निपिंड नीचे नहीं आ पा रहा है। हाँ हाँ, युवराज हनुमान एक भी उल्का पिंड को नीचे नहीं गिरने देंगे। सही कह रहे हो बंधु। हनुमान मित्र, हनुमान हनुमान पुत्र संभालो। ये क्या, एक और बड़ा उल्का पिंड आ रहा है। ये तो महल की ओर जा रहा है। पुत्र हनुमान संभालो। राजभवन की ओर, नानी और माँ है वहां। यदि आप
आपको कुछ हो जाता तो मैं भी मान के रहते, हनुमान की माँ को कुछ नहीं हो सकता। माता के मोह का विकार बहुत प्रेम करता है ये माँ से। रावण के कार्य में बाधा डालने से रोकने के लिए इसी मात्र प्रेम के विकार में उलझाऊंगी मैं से। बुधदेव, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो चंद्रदेव की भांति आप भी मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए रावण, लंका लौट जाइए। लंका लौट जाए दशानन रावण, हम तो स्वयं तुम्हें लंका लेकर जाएंगे, सावधान। मूर्खता ना करो बुधदेव, आप मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। ये तो कुछ ही समय में ज्ञात हो जाएगा लंकेश रावण। ये अब जो मैं कहता हूं वो कीजिए। प्रतीत होता है ये बहुत ही प्राचीन गुफा है। किंतु माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? पुत्र, ये सिद्ध प्राचीन गुफा है। यहाँ पर जिसने भी अपनी सिद्धि या साधना के लिए ध्यान लगाया है उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तुम्हें भी अपनी शक्तियों में वृद्धि लाने के लिए यहाँ ध्यान लगाना है। किंतु माँ, मुझे तो पहले से ही अनेकों शक्तियां प्राप्त हैं। हाँ पुत्र, अभी जो तुमने पराक्रम किया उससे आसुरी शक्तियां और भी विचलित हो उठी हैं। वे महामायावी राक्षसी शक्तियों और प्रबलता से आक्रमण कर सकते हैं। माँ, आप उसके लिए चिंता मत करिए, मैं किसी भी मायावी शक्ति के आक्रमण का उत्तर दे सकता हूँ। पुत्र, जिस प्रकार बादल जल के भंडार होते हैं किंतु बरस नहीं पाते, वायु उन्हें कहीं और उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी शक्तियों का भंडार है, किंतु उन शक्तियों का कहां और कितना प्रयोग करना है इसका ज्ञान तुम्हें ध्यान से ही हो पाएगा। जब मन एकाग्र होकर शक्ति का संचय करता है तभी उन शक्तियों का उचित प्रयोग हो पाएगा। किंतु माँ, मैं ध्यान तो भवन में भी। पुत्र, मैं तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। लगता है तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भूलते जा रहे हो। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, अब तो तुम वही करोगे जो तुम्हारी इच्छा होगी, तो फिर मैं सुमेरु में रहकर क्या करूं? मैं अभी चली जाती हूँ। रुक जाइए माँ। माँ, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ध्यान लगाना है ना, तो ठीक है।
आप फंसाइए मोह में। मात्र प्रेम का विकार, इसी मोह के विकार का लाभ उठाने का अवसर आ गया है। पुत्र, मेरे कहने पर ध्यान कर रहे हो तो स्मरण रहे, जब तक मैं ना पुकारूं तुम अपना ध्यान मत तोड़ना। वचन दो मुझे, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आप मुझे पुकारेंगी नहीं तब तक मैं अपने ध्यान से नहीं उठूंगा। और पुत्र, हो सकता है कि आसुरी शक्तियां तुम्हारा मन भटकाने का प्रयास करें, किंतु तुम्हारा ध्यान नहीं टूटना चाहिए। माँ की इच्छा सर्वोपरि, हनुमत है आज्ञाकारी, ममता से बंधे हनुमान करते हैं निश्चल ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वचन दिया है उसने। हाँ। बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र है हनुमान। यदि प्रलय भी आ जाए ना, तब भी जब तक मैं ना पुकारूं तब तक उसका ध्यान नहीं टूटेगा। बल बला बल बल। बल बला बल बल। अब यहीं बंद रहोगे हनुमान, तुम निकलना चाहोगे तब भी ये सुरक्षा कवच तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। पुत्र की व्यवस्था तो हो गई माजरिका, अब पिता और नानी का क्या करना है? बल बला बल बल। उनके लिए भी सोच रखा है मैंने। नानी तो वृद्ध है, उसे तो मैं ही समाप्त कर दूंगी। और जहां तक केसरी की बात है, उसके लिए मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो स्वयं ही अपनी मृत्यु का आह्वान करेगा। बल बला बल बल। अब लंकेश का कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जय लंकेश। लंकेश को रोकना ही होगा देवगुरु, सभी ग्रहों की रक्षा करनी है मुझे, और इसके लिए मैं लंकेश से युद्ध करूंगा। देवराज, वो ब्रह्मदेव के वरदान से रक्षित है, आप अनंत काल तक भी युद्ध करते रहेंगे तब भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु नारायण के नर अवतार राम के हाथों ही उसका वध हो सकता है, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें। किंतु देवगुरु, यदि कुछ नहीं किया गया तो लंकेश नवग्रहों को अपने अधीन करने में, नवग्रहों पर आए इस संकट को समाप्त करने के लिए मैं समझाऊंगा रावण को। ऐसी बातें उसे समझ नहीं आती, आप प्रयास करके देख लीजिए, आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अभी भी समय है बुद्धदेव,
मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। मैं नाम ही मिटा दूंगा बुध ग्रह का इस ब्रह्मांड से। रुक जाओ रावण। प्रणाम देवगुरु। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे लंकेश रावण। देवों के गुरु बृहस्पति, अब हम में से कोई भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा दशानन। शनिदेव आप भी आ गए। सावधान लंकेश। लंकेश तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस अपनी नगरी लंका चले जाओ। सूर्य और मंगल देव भी आ गए। अच्छा है, आप सबको एक साथ मैं अपना दास बनाऊंगा। रावण रुक जाओ। रावण मैं तुम्हारे साथ यहां युद्ध करने नहीं आया हूं, तुम्हें समझाने आया हूं। समझाने? देवों के गुरु समझाना है तो इन देवों को समझाओ। और स्वयं भी समझो मेरी शक्ति मेरे बल के बारे में। रावण मेरे ये दिव्यास्त्र तुम्हें यहीं से धरती में गिरा देंगे दशानन। रावण संभालो मेरा प्रहार। मेरा ये आग्नेयास्त्र तुम्हें और तुम्हारे विमान दोनों को जला देगा। तुम सब मिलकर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। इन ग्रहों और रावण के युद्ध का दुष्परिणाम पृथ्वी पर भी पड़ रहा होगा। प्रलय किसी स्थिति उत्पन्न हो रही होगी। हे ईश्वर निवारण कीजिए इस संकट का। मैंने पूरे राज्य का निरीक्षण करा लिया है। उल्कापिंड गिरने से कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई विशेष हानि नहीं हुई किसी को। युवराज समय रहते ही उल्कापिंडों को दूसरी ओर मोड़ देने में सफल रहे थे। ये क्या हो रहा है महाराज? भूकंप आया है। समझ नहीं आ रहा मंत्री जी, पिछले कुछ दिनों से राज्य में क्या हो रहा है? एकाएक तापमान बढ़ना, उल्कापिंड गिरना, अब ये झंझावात और भूकंप,
महाराज महाराज, पूरे सुमेरु में हाहाकार मच गया है भूकंप से। ये तो प्रलय का आभास है। हनुमान कहाँ है? हनुमान, प्रणाम प्रभु। महादेव, रावण और ग्रहों के युद्ध के कारण पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। देव गुरु बृहस्पति ने मुझे रावण से युद्ध करने के लिए मना किया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। बाहर से आर्तनाद जैसी पुकारें सुनाई दे रही हैं। ध्यान भी नहीं लगा पा रहा हूँ मैं और उठ भी नहीं सकता। माँ को वचन दिया है। मातृ मोह का विकार सद विकार है, सद्गुणी तो इस विकार से ग्रसित हो ही जाएगा। इसलिए हनुमान जैसा संकट मोचन भी इस मोह के संकट में फंस गया है। घटित हो रहा है, क्या करूं मैं? अभी तो हमारा मित्र हनुमान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आज हमारा मित्र हनुमान होता तो अवश्य हमें इस संकट से मुक्त करवा लेता। हमें ढूंढना होगा उसे। हनुमान, हनुमान, कहाँ हो मित्र? हनुमान, 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 हनुमान! अंजना, तुमने हनुमान को देखा? हनुमान यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो कहीं किसी के संकट हर रहा होगा। ऐसी संकट की घड़ी में आपको भी प्रजा के साथ होना चाहिए। चलिए मैं भी आपके साथ चलती। अंजना, तुम संकट की घड़ी में सदैव मेरे साथ रहती हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम यहां राजभवन में रुको, मैं वहां जाता हूं। अंजना, यदि हनुमान आए तो उसे मेरे पास भेज देना। दोनों पिता पुत्र मिलकर अंतिम सांस तक प्रजा की रक्षा करेंगे। अंतिम श्वास, उधर पुत्र की गुफा में घुटकर अंतिम श्वास निकलेगी और इधर
इन सब को भी अंतिम श्वास तक पहुंचा दूंगी मैं। लंकेश, अब तो तुम्हारी जय ही जय होगी। प्रणाम देवरागी, ये एकाएक क्या हो रहा है और आप इतनी भयभीत क्यों लग रही हैं? ये सब लंकेश रावण के कारण हो रहा है। उसने ग्रहों की दिशा बदलकर संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। समस्त संसार और सुमेरु मुश्किल में है। नहीं, मेरे पुत्र हनुमान के होते सुमेरु पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। वो सुमेरु ही नहीं, संसार का भी कोई अहित नहीं होने देगा। बचा लेगा वो सबको। महादेव की कृपा से ऐसा ही हो। मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि सुमेरु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, न जाने अब क्या होगा। महादेव रक्षा कीजिए पुत्र हनुमान। संसार पुनः संकट में है। तुम जहां कहीं भी हो शीघ्र जाओ और संसार को इस संकट से उबारो। हनुमान, तुम ही संसार के संकट मोचन हो। रक्षा करो संसार की और तुम्हारे सुमेरु की। ये तो माँ का स्वर है, लगता है माँ पुकार रही हैं। संसार पर आई इस आपदा को तुम ही समाप्त कर सकते हो हनुमान। हनुमान मेरे लाल, शीघ्र आओ और रक्षा करो सबकी। संकट हारी देख के संकट राज पे भारी। संकल्पित आपदा से लड़ने चल पड़े संकट को हरने। ये गुफा कैसे बंद हो गई? मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। ब्रह्मदेव, आपकी वरदानी शक्ति का प्रयोग करने का समय आ गया है। जय ब्रह्मदेव। जगत की रक्षा करने में विलंब मत करो, शीघ्र आओ और अपना कर्तव्य निभाओ। एक ही क्षण में इस बंधन से मुक्त हो सकता हूं। अपने मंत्र से
आपके और आपकी लंका को समाप्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे भी प्रतीक्षा है किसी की। आपको जिसकी प्रतीक्षा है उसे स्वयं समाप्त करने जा रहा हूँ देव गुरु, और आप सब भी ये बात जान ले कि अधिक समय तक मेरी शक्ति के सामने आप सब टिक नहीं पाएंगे। भलाई इसी में है कि देव गुरु बृहस्पति के भांति आप सब भी अपनी पराजय स्वीकार कर ले। देवगुरु ने पराजय स्वीकार नहीं की है लंकेश, वो तो दया दिखाकर आपको छोड़ रहे हैं। देवगुरु चाहे तो आपको एक ही क्षण में समाप्त कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मा जी द्वारा आपको दिए गए वरदान का अनादर नहीं करना चाहते वो। आप सब मेरी ग्रह दशा में परिवर्तन करके मेरा मृत्यु योग बना रहे थे, अब आप सब मेरे अधीन हैं। अब ना मृत्यु योग होगा और ना मुझे मृत्यु मिलेगी, अब होगा तो केवल पृथ्वी का नाश और उसी के साथ उस नर और वानर का अंत जो मेरे संहार के लिए पृथ्वी पर पल रहे हैं। ब्रह्मं प्रसन्नं, प्रसन्न हुए हम। अब आप सब अपने ग्रह तत्व रूप में मेरे बंदी हैं। ब्रह्मं प्रसन्नं, प्रसन्न हुए हम। अब प्रलय होगी, मात्र प्रलय। महादेव, प्रभु प्रलय काल से पूर्व ही सृष्टि नष्ट होने जा रही है, कुछ कीजिए देवेश्वर, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूदेवी, नित्य और नैमित्तिक प्रलय तो संसार में होती ही रहती है, उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, समय की प्रतीक्षा करें। प्रणाम प्रभु। माँ कहाँ है? माँ तो इस आपदा में मंदिर में शिव जी से प्रार्थना कर रही होंगी, अभी जाता हूँ मंदिर। आश्चर्य है, माँ यहाँ पर भी नहीं है। हो सकता है संकट की घड़ी में वो किसी की सहायता करने गई हो, किंतु पहले मैं कक्ष में ढूंढता हूँ। अब सब समाप्त हो जाएगा। तुम यहाँ कौन सी बल बला बल बल मचाने आए हो अति बल?
केसरी के पीछे भेजा। हितों में सापाधापी का लाभ उठाकर अवसर पाकर केसरी पर वार कर सके। हनुमान, कौन है आप? ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? मैं सब जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। सब कुछ देख लिया है मैंने। बलबला बलबल, बलबला बलबल। ठीक है, मैं जाता हूँ केसरी के पीछे। अतिबल माँ के कक्ष में क्या कर रहा है? किंतु तुम याद रखना, वो हनुमान बड़ा ही बलवान और मायावी है। यदि वो यहाँ आ गया तो हनुमान बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है। जब तक मैं न पुकारूं, तब तक वो नहीं उठेगा। और मैं उसे कभी नहीं पुकारूंगी। कहीं गुफा में ही मरेगा वो। बलबला बलबल। तो तुम माँ की पुकार सुने बिना ही उठ गए? नहीं, मैं माँ की पुकार सुनकर ही उठा हूँ। अब बताइए, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो गई। देखिए, आप मेरी माँ के बारे में बता दीजिए कि कहाँ है वो। तुम्हारी माँ को विवश होकर इंद्रलोक जाना पड़ा और अब तुम्हें भी मृत्यु लोग भेजूंगी मैं। से भयभीत मत होइए। मैंने आप में मेरी माँ को ही देखा है। आपको मैं माँ जैसा ही सम्मान दूंगा। ओ, 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 ओ,
तो मां बनकर तुम्हारे प्राण हरने आई थी, किंतु मेरी सच्चाई जाने के पश्चात भी तुम मुझे मां का सम्मान दे रहे हो। यहां तक कि मैंने तुम पर वार किया और तुमने मेरे प्राण बचाए। मैं तुम्हारी अपराधी हूं हनुमान, मैं तुम्हारी मां कहलाने के योग्य नहीं हूं। देखिए, आप ऐसा मत कहिए, मां मां होती है। जन्म देने वाली जननी हो या धरती के समान पोषित करने वाली माता, आपने भी कुछ दिन मेरा पालन किया है। बस आप बता दीजिए कि मेरी जननी माँ कहाँ है, कि वो स्वर्ग लोक क्यों गई। तुम्हारी माँ पुरजन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिन्हें एक ऋषि के शापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। किंतु तुम्हारे जन्म के पश्चात श्राप की अवधि समाप्त हो गई, इसलिए उन्हें विवश होकर पुनः स्वर्ग जाना पड़ा। किंतु मुझे विश्वास है हनुमान कि तुम स्वर्ग जाकर उन्हें पुनः सुमेरु ला सकते हो। मैं अभी जाकर माँ को लेकर आऊंगा। माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ, माँ आप ठीक तो है ना? पुत्र, तुम्हें माँ की आवश्यकता है, किंतु समय संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। किंतु ये सब क्यों हो रहा है? एक महाबली रक्षराज ने सूर्य चंद्र आदि नवग्रहों को अपने अपने पद से भ्रष्ट कर पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति बना दी है। यदि उन नवग्रहों को उस रक्षराज से मुक्त नहीं कराया गया तो इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं बड़ी दुविधा में हूँ। वहाँ मेरी माँ मुझे पुकार रही है और यहाँ संसार को प्रलय के संकट से बचाना भी आवश्यक है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप ही मुझे इस दुविधा से निकालिए, बताइए मुझे क्या करना है। हनुमान, सोचो, यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माता होती तो ऐसी स्थिति में क्या कहती? पुत्र, जैसे माता पिता भाई बंधु, इनसे बड़ा होता है समाज। समाज से पहले होता है नगर और नगर से पहले होता है राज्य, किंतु राज्य से भी प्रथम होता है संसार। इसीलिए ध्यान रखना मेरे लाल, यदि कभी भी एक ओर माता पिता और दूसरी ओर संसार संकट में हो तो तुम्हें संसार के संकट का निवारण करना होगा। पृथ्वी संसार की माँ होती है और तुम्हें उस माँ को पहले बचाना होगा। माँ तो संसार को बचाने के लिए ही कहती, यदि माँ किसी बड़े संकट में हो तो नहीं। हे भोले बाबा, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए।
भोले बाबा प्रणाम। हनुमान, माँ की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा होती है। संसार में पुत्र के लिए माँ की आज्ञा सर्वोपरि होती है। माँ का कहा हुआ हर वाक्य पुत्र के लिए ईश्वर का आदेश है। कल्याण भव। मैं पहले संसार की रक्षा करूंगा, फिर माँ के पास जाऊंगा। माँ प्रसन्न हो जाएंगी। मेरे विकार तुम्हारी माँ के संस्कारों से हार गए पुत्र। जाओ, विजय तुम्हारी होगी। माँ, मेरी एक विनती आपको माननी होगी। मेरे लौट कर आने तक भवन में सारे रहने वाले प्रियजनों का आपको उसी तरह से ख्याल रखना होगा जिस तरह से माँ रखती थी। हनुमान, मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र, मैं ऐसा ही करूंगी। माँ, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे सारे संसार को बचाने जाना है। विकृत होता है और मनुष्य दुष्कर्म करते हुए पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। संस्कार विचारों को शुद्ध करते हैं, मन को संस्कारित करते हैं और मनुष्य सत्कर्म करता हुआ स्वयं व जगत के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। संस्कार का कवच ही विकारों से रक्षा करता है। ये हनुमान के संस्कार ही हैं जिन्होंने हनुमान को जगत की रक्षा के लिए प्रेरित किया। किंतु ये विकार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। कभी भी किसी भी क्षण मन को दूषित कर देते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप लोग भयभीत ना हो, ये स्थान सुरक्षित है। आप लोग यहीं रुके। तुम सब यहाँ? मैं भी हनुमान को ढूंढ रहा हूँ। हनुमान कहाँ है? बालको, पर्वत टूट रहा है, तुम सब यही रहो, सुरक्षित रहोगे। अरे, ये बालक यहाँ बैठा है। बालक हटो,
हट जाओ। शीघ्र हट जाओ बालक। बालक हट जाओ। ये चट्टान तो इसी ओर आ रही है। इस नन्हे बालक को संभालो कोई। मंगल, बुध, बृहस्पति, सूर्य, शनि, सारे संसार की ग्रह दिशा निर्धारित करने वालों, अब आप सबकी ग्रह दिशा मैं निर्धारित करूंगा। रावण है हम। मेरे गुरुदेव शुक्र, राहु, केतु, चंद्र, आप सब ग्रह एक साथ एक ही स्थान पर, वो भी लंका में। रावण है हम। ये है प्रलय की दशा। अब आप सब तत्व रूप से मेरे बंदी हैं। और यदि इस बंधन से मुक्ति पानी है तो लंका छोड़ संपूर्ण पृथ्वी प्रलय से नष्ट हो जानी चाहिए और उसी के साथ समस्त नर और वानर, उनका भी नाश हो जाना चाहिए। उसके लिए आप सबको मेरे निर्धारित दिशा पर ही चलना होगा। ए नारायण, सुन नारायण, चाहे तूने नर रूप लेकर इस पृथ्वी पर कहीं
कहीं पर भी जन्म ले लिया हो, इस पृथ्वी के अंत के साथ तेरा भी अंत हो जाएगा। सी के साथ अंत हो जाएगा उस वानर बालक का भी, जो बार बार हम असुरों के विरुद्ध सिर उठा रहा है। ओ, इसी के साथ असंभव हो जाएगी मेरी मृत्यु के योग की दिशा। यदि किसी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया तो महादेव की सौगंध, उसे मेरे कोप का भाजन बनना होगा। उसे बंदी बनाकर युग युगान तक तड़पाऊंगा मैं। मेरे राक्षस वीर हर पल प्रताड़ित करेंगे उसे, मृत्यु से भी भयानक दंड मिलेगा उसे। अब जाओ, मेरे अनुसार निर्धारित किए गए दिशा पर चलाओ, जाओ। रावण है हम। मर्जरिका, तुम्हारी तो बलबला बलबल हो गई, बलबला बलबल हो गई, बलबला बलबल। हनुमान ने तुम्हारी सच्चाई जान ली है तो फिर यहां रुकने की मूर्खता क्यों कर रही हो? चलो चलो, यहां से चलो, लंका चलो। यदि हनुमान के पहुंचने से लंकेश अपना कार्य करने में सफल हो गए तो ज्ञात है कैसा भयानक दंड देंगे वो। यदि लंका पहुंचकर क्षमा याचना करेंगे तो कदाचित प्राण बच जाए। यहां रहे तो प्रलय से ही मारे जाएंगे। मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं, अब मैं यहीं रहकर हनुमान की मां का धर्म निभाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ओहो, राक्षसी अब महारानी बनने का स्वप्न देख रही है। अब तुम्हें रावण के कोप से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। भयानक दंड देंगे तुम्हें। बलबला बलबल। ये मायावी वानर यहां तक आ गया, इसका अर्थ है मार्जरिका अपने कार्य में विफल रही। चंद्रदेव, हमारे संकट को हरने आ गया संकट मोचन महाबली हनुमान। वो वानर बालक इसी ओर आ रहा है, उसे रोको अन्यथा लंकेश सभी ग्रहों की गति को रोक देंगे। जैसा मैंने कहा वैसा करो चंद्र, प्रहार करो उस पर।
मुझे क्षमा करना हनुमान, मैं विवश हूं। जय लंकेश। कैसी व्यवस्था है भाग्य की, अपने ही संकट मोचन को संकट में डालना पड़ा मुझे। मेरे गुप्तचरों, क्या समाचार लाए हो? मेघलोचन ने संदेश दिया है कि चुप क्यों हो गए? क्या संदेश है बोलो। कि वो वानर बालक चंद्रमा के निकट आ गया है। नहीं! किंतु चंद्रमा ने उसे हिमशिला में हिम की भांति जमा दिया है। लंकेश, राहु केतु प्रकट हो। लंकेश की जय हो। क्या देश है लंकेश? राहु केतु जाओ, चंद्रदेव के पास जाओ। वो वानर बालक चंद्रदेव को मेरे बंधन से मुक्त कराने के लिए वहां पहुंचा है। तुम दोनों जाकर उसे इस जीवन से ही मुक्त कर दो। उसकी मृत्यु दशा बना दो। वो वानर बालक चंद्रदेव को मेरे बंधन से मुक्त कराने के लिए वहां पहुंचा है। तुम दोनों जाकर उसे इस जीवन से ही मुक्त कर दो। उसकी मृत्यु दशा बना दो। जाओ, अब तुम सब मिलकर स्वयं मेरे शत्रुओं की मृत्यु का योग बनाओगे। रावण है हम। चंद्रमा, तुमने उत्तम कार्य किया है। शीघ्र ही इस हिमशिला के शीत से ये वानर बालक सुन पड़ जाएगा। और तब मृत्यु हो जाएगी इस वानर बालक की। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जगत गति है जिनके हाथ, आज है वो रावण के दास। विवश हुए भाग्य विधाता, कौन बनेगा जग का त्राता। हनुमत का पावन दर्शन, चंद्रदेव के
भरे नयन हनुमत ने है धैर्य धरा संकट हरने का संकल्प भरा। ये गाथा महाबली हनुमत की रच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान।